नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबेर सर, मैं हूं आपके साथ स्मृति सा। आगे बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मुंबई और मराठी लोगों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर संजय राउत ने ट्वीट कर टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी प्रायोजित मुख्यमंत्री ने शपथ ली, मराठी आदमी और शिवराय का अपमान करना शुरू कर दिया। स्वाभिमान के नाम पर जीने वाला निकला समूह अगर यह सुनकर भी चुप रहने वाला है तो शिवसेना का नाम ना ले। सीएम शिंदे कम से कम राज्यपाल की निंदा करे, यह मराठी मेहनतकश लोगों का अपमान है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर गुजराती और राजस्थानी चले गए तो मुंबई आर्थिक राजधानी नहीं होगी। उनके इस बयान से अब विरोधी आक्रमक हो गए हैं। संजय राउत ने कहा कि संक्षेप में कहें तो राज्यपाल के बयान से लगता है कि महाराष्ट्र और मराठी लोग भिखारी हैं। उन्होंने कहा कि मोरारजी देसाई ने भी इस तरह 105 मराठी शहीदों का अपमान नहीं किया। मुख्यमंत्री शिंदे, सुन रहे हो कि आपका महाराष्ट्र अलग है, जरा भी स्वाभिमान है तो पहले राज्यपाल से इस्तीफा मांगो। दिल्ली के सामने कितना आगे झुक रहे हो। कुछ ही समय बाद शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर राज्यपाल के इस बयान पर कुछ कहेंगे। तो यदि आज की खबर इस तरह की और खबरों बने रहने के लिए देखते रहिए एच न्यूज।